असलम माई यूट्यूब फैमिली ओवर यू वाली, होप यू वाले डूइंग वेल। तो यार अक्सर इस तरह होता है ना कि हमने कहीं जाना होता है, अचानक से हमें कहीं जाना पड़ जाता है, लेकिन हमने ब्लीच वगैरह नहीं की होती, ना कोई फेशियल वगैरह करवाया होता है, तो फेस जो है ना वो ज़रा डल डल लगता है। ठीक है, तो ये जो मैं आप लोगों को एक बताने लगी हूँ ना, ये फुल पैकेज है। लाइक इसमें आप लोगों की, जब आप ये करेंगे ना, तो इसमें आप लोगों को ऐसा लगेगा क्योंकि आपने फेशियल भी किया हुआ, ब्लीच भी की हुई है, और बहुत ज़्यादा ना आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, फेस पर ग्लो आएगा। तो ऐसे लगेगा कि आपने ना कोई ताज़ा ना फेशियल करवाया है, या फिर आप लोगों ने बहुत अच्छी कोई ब्लीच की हुई है। ठीक है, इसे ये कि सिर्फ आप लोग के बाल जो है ना वो ब्राउन नहीं होंगे, लेकिन जो है ना ग्लो आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने सबसे पहले कौन सी चीज लेनी है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जब आप ये करेंगे ना अपने फेस के ऊपर, आप लोग इसे ना रेगुलर रूटीन में भी कर सकते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पर भी आप इसे कर सकते हैं, और आप लोग की स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्लम्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी स्किन आपकी। तो इसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की भी जरूरत नहीं है, बहुत कम चीज़ें लगेंगी आपकी और बहुत अच्छा इसका ना रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा देती हूँ कि कौन सी चीज़ें चाहिए हमें। तो ये देखें जी, सबसे पहले हमें चाहिए एलोवेरा, ठीक है। यहाँ पर मैं फ्रेश एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ, आप लोग मार्केट बेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई रिकमेंड कि आप लोग अगर होम बेस यूज़ करेंगे ना, लाइक जो प्लांट वाला होता है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये देखें, ये जो येलो पार्ट है ना, ये आप लोगों ने ऐड नहीं करना इसमें। इसे हम ना एक तरफ से उतार लेंगे यहाँ से, इस तरह से। ये देखें, मैं आप लोगों को ना तरीका बताती हूँ कि आप लोग इसकी जेल किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी तरीका है। बहुत लोगों को ना परेशानी होती है कि इसकी जेल किस तरह से कलेक्ट करें, उन्हें करनी भी नहीं होती और सही तरह से ना कलेक्ट होती भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमें किस चीज़ की जरूरत है। यहाँ पर ये देखिए कि ना बड़ी कंघी ले लेनी है आपने, ठीक है, साफ सुथरी लेनी है, किसी काम के लिए रखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ कि किस तरह से आपने ना ये कलेक्ट करनी है जेल इसमें से। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमने कंघी पकड़ लिया और ये एलोवेरा का पीस है। ठीक है, आपने ना इसे इस तरह से करना है। ये देखें, आपको ना बहुत ज्यादा अच्छी जो है ना वो फाइन जो है ना वो जेल मिल जाएगी। ये देखें, इसी तरह से आपने ना सारी जेल जो है ना वो कलेक्ट कर लेनी है। ये देखें इस तरह, अब हमने अपनी जेल जो है ना वो कलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पर देखें जी, हमने एक बाउल ले लेना है और एक फोक ले लेना है। ठीक है, अब ये जो एलोवेरा जेल हमने कलेक्ट किया ना, वो हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। ये देखें कितनी अच्छी जेल हमें कलेक्ट हुई है। ठीक है, वरना इस तरह होता है ना कि पार्टिकल्स भी आ जाते हैं अंदर, तो इस तरह जब आप लोग जेल कलेक्ट करेंगे ना, तो बिल्कुल भी जो है ना वो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो है ना बहुत अच्छी आपकी जेल जो है ना वो आप लोग कलेक्ट कर लेंगे। और साथ में जनाब, अगर आप ज़्यादा जो है वो अपना ही रंगत गोरी करना चाहते हैं, तो साथ में ये देखिए एक कप चाय लें और साथ साथ ये भी पिए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो यार मेरे साथ में इतना दर्द हो रहा था ना, तो मैंने सोचा कि चाय बना लेते हैं, तो यहाँ पर मैं साथ साथ चाय भी पीऊँगी और आप लोग भी पी सकते हैं अगर पीना चाहें तो। ठीक है, ये मैंने आप लोग को फ्री की टिप दिया एक। अच्छा जनाब, यहाँ पे देखिए हमारी जेल जो है ना वो हमने कलेक्ट कर ली थी। ये देखिए इस तरह से ना, जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने ले ली है। आप लोगों को जितनी चाहिए होगी ना, आप उस हिसाब से ले लें। ठीक है, अगर आपने साथ में नेक भी करनी हुई और जनाब अगर आपने हेयर्स पर भी करना हुआ, तो आपने ना क्वांटिटी को डबल ट्रिपल कर लेना। ठीक है ना, तो जनाब यहाँ पे देखें 1 टेबल स्पून हमने इसमें ना डाल देना राइस फ्लोर। ये देखें जी, यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने इसमें राइस फ्लोर का ऐड कर देना है, यानी कि चावलों का आटा जो फाइन पिसा हुआ होगा ना, हमने वो वाला आटा लेना। ठीक है, ये आप लोग ना घर में भी बना सकते हैं, इवन कि मैंने भी ना घर में ही प्रिपेयर किया हुआ इसको, बहुत ही बढ़िया बनाना। आप चावल लें, उनको जो है ना वो साफ करें और जनाब उसका ना फाइन सा पाउडर बना लें, और यहाँ पे देखें कितना प्यारा लग रहा है ना। अच्छा यार, ये जब आप लोग करेंगे ना, तो आप लोग को किसी दूसरे तीसरे फेशियल की ना जरूरत नहीं पड़नी, इतना ये कमाल का ना कि बस आप छोड़ बाते थे। ये देखिए जितना ये यमी लग रहा है ना, उतना ही लगाने में बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है ये। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ जाएगी, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन सी। और ये देखें जी, चेक करें है कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं, बस तुझे इतना दसो कि मज़ा आया कि नहीं आया। ओहो यार, मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे की चीज़ें बना के और फिर लगा के, ओए होए होए होए, क्या ही मज़ा आता है। पता नहीं आप लोग मेरी रेमेडीज को एंजॉय करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं बड़ा करती हूँ, बहुत मज़ा आता है रेमेडीज बनाने का, लगाने का और आप लोगों से शेयर करने का। पता देखें ये ना इस कंसिस्टेंसी में आ गया। ठीक है, ओए होए कितना मज़ेदार लग रहा है ये। इसी तरह से आप लोगों का भी ना आ जाएगा। ठीक है,
ये देखें, ओहो, ये जब आप लोग लगाएंगे ना, आपको किसी भी दूसरे तीसरे फेशियल की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये देखने में भी इतना मजे का है ना, और ये लगाने में तो उससे भी ज्यादा मजे का है। तो ये आप लोग ना बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, इसे 7 डेज के लिए ना आप लोग स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 1 हफ्ते के लिए, और आप लोग फिर इसे मजे से लगाएं और फिर जनाब मजा उड़ाएं, और आप लोगों की स्किन इतनी कमाल की हो जानी है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें तीसरी जो चीज़ जाएगी वो कौन सी है। यहाँ पर देखें जी, ये जो तीसरी चीज़ है ना, ये मिल्क ऐड कर देंगे हम। मिल्क जो है ना वो एक जो है ना वो 1 टी स्पून ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखें जी, इसे अच्छे से हमने जो है ना वो मिक्स कर लेना, ये एक स्मूथ सा फेस बन जाएगा। उसके बाद ना हम इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ना डेमोंस्ट्रेशन पर्पज के लिए अपने हैंड पर करके दिखाने लगी हूँ। आप इसे अपने हैंड पर भी कर सकते हैं, फीट पर भी कर सकते हैं, और जनाब आप इसे अपनी गर्दन पर भी करें। और जब आप फेस पर कुछ लगाते हैं ना, तो अपनी गर्दन को ना भूला करें, ठीक है। गर्दन पर भी वही चीज़ें लगाया करें जो आप फेस पर लगाते हैं। अक्सर लोग इस तरह होते हैं ना कि उनकी गर्दन जो है ना वो डार्कनेस की तरफ चली जाती है। वो इसीलिए होता है कि वो कोई क्रीम श्रीम लगाते हैं ना, तो वो सिर्फ अपने मुंह पर ना ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी गर्दन को भूल जाते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, आप लोगों ने जो ना अपनी गर्दन को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जी, ये हमारा मजेदार फेस जो है वो रेडी हो गया। अब मैं आपको ना इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसे अप्लाई करना। तो यहाँ पर देखें जी, हमारा जो है ना वो पेस्ट रेडी है अपने हैंड पर लगाने के लिए। और ये देखें, इस तरह से ना हमने सारा अच्छे से अप्लाई कर देना है। आप अगर फेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो फेस पर इस तरह से आपने अप्लाई कर देना सारा, और इसे आपने जनाब सूखने देना, ठीक है। आप सबको पता है कि जो है ना वो दूध में लैक्टिक एसिड इतनी ज़्यादा मिकदार में होता है ना। वैसे अगर हम लोग किसी फेस वॉश या क्रीम वगैरह में लैक्टिक एसिड देख लेते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं ओ माई गॉड ये कितना अच्छा होगा, ये ले लेते हैं। लेकिन दूध में इतना ज़्यादा लैक्टिक एसिड होता है ना, अगर आप रॉ मिल्क लेते हैं ना, तो उसमें तो मैं कहती हूँ कि बेशुमार होता है। तो आप लोग ना कोशिश करें कि रॉ मिल्क यूज़ किया करें। किसी भी रेमेडी में अगर आप रॉ मिल्क यूज़ करते हैं ना, तो उसका जो है ना वो रिजल्ट वो डबल ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास नहीं है, तो आप लोग ना इन केस अगर नहीं है तो आप लोग बॉइल भी यूज कर सकते हैं दूध। और राइस जो है वो ब्राइटनिंग के लिए इतना कमाल है ना, राइस फ्लोर, राइस वाटर, और जनाब राइस की बनी हुई हर चीज बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर एलोवेरा आपकी स्किन को सूद करता है, और जनाब आपकी जो है ना वो स्किन को ब्राइट करता है, लाइट करता है, और इन्फ्लेमेशन खत्म करता है किसी भी किस्म की अगर है तो। तो यहाँ पर ना ये देखें जी, हमारा पेस्ट जो है वो मैंने लगा लिया अपने हैंड के ऊपर। अब इसे हम खुश्क होने देंगे, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका आफ्टर इफेक्ट किस तरह से आता है, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पर ना ये हल्का हल्का सा खुश्क हो गया। तो यहाँ पर हम इसे ना अच्छे से मसाज करेंगे, ये देखें। अच्छा, ये ना आपकी स्क्रबिंग का भी काम करेगा, आपकी स्किन को टोन भी करेगा, आपकी स्किन को लाइटन अप भी करेगा। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा काम करेगा आपकी स्किन के ऊपर। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से मसाज करेंगे और इसे दोबारा से लगा रहने देंगे, ठीक है। अच्छे से जब ये दोबारा से खुश्क हो जाएगा ना, तो फिर हम इसे रिमूव कर देंगे। अगर आप लोगों को जल्दी है तो आप लोगों ने लगाना भी है, तो आप लोग इस स्टेज पर आके इसे धो दें, ओके। यहाँ पर मैं इसे 5 से 10 मिनट्स और रखूंगी, और फिर मैं इसे उतार दूंगी। आप देखें, अब हम इसे उतार देते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग के सामने इसे वाइप ऑफ करती हूँ, और आप लोग देखिएगा इसके रिजल्ट बहुत प्यारे आएंगे। ये देखें जी, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, सो सॉफ्ट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। यार वैसे है ना, क्या मैं कहती हूँ कि चवलें जो है ना वही वायरल होती हैं बंदे की, सही बात है। बस इधर से किसी बंदे ने चवल मारी नहीं है और उधर से वायरल हुई नहीं है कि नहीं। ये देखें फर्क चेक करें आप, अगर आप लोग को नजर आए तो नजर आ रहा है, ये देखें फर्क। ये बहुत ज्यादा नीट जो है ना वो स्किन हो गई है, और नीचे टेबल पर गंदगी मच गई है, वो भी साफ करते हैं। और ये देखें जनाब, वाह क्या बात है, बोनस की बहुत प्यारा रिजल्ट आया। आप लोगों ने ना मस्त ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को भी हैंड पर करके दिखाया, और जब आप लोगों ने फेस पर करना है ना, तो मैं कहनी हूँ ओहो तो सी लाइटा मारनी है। मतलब कि आप लोग अगर डेली बेसिस पर यूज करते हैं ना, तो इतना बेस्ट है ना कि आप लोग को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। और ये उन लोगों के लिए इतना कमाल का ना, जो कोई केमिकल अपनी स्किन पर यूज नहीं करना चाहते और कुछ भी नहीं ना, तो ये वाला मास्क जरूर यूज करें, बहुत अच्छा है। तो मैं आप इसे धोकर आती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखें जी, मैं अपना हाथ धोवाई हूँ, और इतना सॉफ्ट हुआ है ना, और इतना कमाल का लग रहा है। आप लोगों ने ये जरूर ट्राई करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी ना, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो जनाब अपना हेयर रखें और मुझे दुआ में याद रखें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेमेडी के साथ। टाटा बाय बाय।